वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाई हैक एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोड। जी हाँ, मोड के बारे में, बहुलक इसे हिंदी में कहते हैं। तो मोड के किस तरीके से, तो ये बहुत सिंपल होता है। जब सिंपल डेटा में, तो ये मोड बहुत सिंपल होता है। जिसका सबसे ज्यादा रिपीटेशन, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट हो रही हो, वो आपका मोड आंसर हो जाता है। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको जेड से डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, 4321234331132, इस तरह से कोई क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहा जाएगा कि फाइंड मोड। क्या बताना है आपको? मोड बताना है। तो मोड सिंपल है, इसमें सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वो आपका मोड है। आप इसको चाहते हो पहले इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे, तो वैसे भी इसमें डायरेक्ट ही फाइंड कर सकते हैं कि कितने बार। जैसे 1 2 3 4 3 आपका 4 टाइम्स आ रहा, सबसे ज्यादा रिपीटेशन इसके ही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। ये आपका मोड हो गया। पहली चीज सिंपल, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, सबसे ज्यादा रिपीटेशन जिसका हो, वो आपका मोड होता है। तो ये आपका मोड हो गया सिंपल का। आया समझ में? अब जैसे आपको ग्रुप डेटा में अगर दे दिया जाए, फिर कैसे करना होता है, तो वो चीज आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, इसमें आपको दे दिया x और ये f, इसमें आपको जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पे दिया 4, 7, 9, 1 और 12, और आपसे कहा जाएगी फाइंड मोड। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 की है। किसकी है? 10 की। कितनी है? 12। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी आंसर उसका। तो आपका मोड आया समझ में? ये था सिंपल इसमें। अब आपका आता है मोड में, जिसमें ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल्स के फॉर्म। अगर इंटरवल वाला क्वेश्चन होगा तो आप किस तरीके से करना है, बस ये इसमें थोड़ा देखना है आपको। उनका ये क्वेश्चन ले लिया है, आपका ये क्वेश्चन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100, और ये फ्रीक्वेंसी के बन है। तो आपको पता है जेड किस तरीके से निकालते हैं आपका बहुलक? सिंपल, सीधा, सरल, एक ही रीजन, वो क्या है आपका? वो है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। देख रहे हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10, 17, 26, 20 to 15। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 40 to 60 की। तो आपकी मॉडल क्लास क्या हो गई? आपकी मॉडल क्लास क्या हो गई? आपकी जी 40 to 60 हो गई है बस। अब फॉर्मूला होता है जेड का, ये होता है जेड इक्वल टू होता है एल प्लस, फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला इसका देख लिए, फॉर्मूला क्या होता है आपका? इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है? जेड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन में 2f1 - f0 - f2 इंटू एच। क्या होता है? l + f1 + l + f1 - f0 - f2 - f2 × h। अब ये l क्या होता है, f0 क्या होता है, f1 क्या होता है और h क्या होता है? जी हाँ, तो आप ध्यान से देखिए, एल जो आपका होता है वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट कितनी है आपकी? 40 है, तो ये 40। एफ जीरो क्या होता है? ध्यान से देखिए, जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ना, उससे ऊपर से चालू हुई है, तो एफ जीरो, एफ वन और एफ टू। जो आपने मॉडल क्लास सेलेक्ट हुई, उसके ऊपर वाला जो होता है उसकी फ्रिक्वेंसी एफ जीरो, उसके बाद वाला एफ वन और उसके नीचे वाला एफ टू होता है। तो आपका एफ जीरो 17, 26 और आपका 22 सॉरी। और h की वैल्यू आपको पता है दोनों के बीच का क्या होता है? डिफरेंस। जो क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं आपका? एच कहते हैं। आपको कितना दिया है? 20 दिया हुआ, समझ गए? तो ये आपका l, f0, f1, f2, f3 और h हो गया। अब आप फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दीजिए, तो l की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस f1 की वैल्यू कितनी है? 26। f0 की वैल्यू कितनी है? 17 अपॉन 2f1 मतलब 2 इंटू 26 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है? 17 और f2 की वैल्यू कितनी है? 22 इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है, देखिए 40 प्लस, तो आपका 26 में से 17 जाएगा कितना बचेगा? आपका 26 में 17 जाएगा बचेगा 9, 2 इंटू 56 कितना हो जाएगा आपका? 26 ये आपका हो जाएगा 52 माइनस 39 इंटू 20, तो आपका हो जाएगा 40 प्लस 19 180 अपन में कितना बचेगा? 13 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 13.84 कुछ। तो आपका z इक्वल टू 40 प्लस 13, तो 53.84। यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई? आपकी मोड की वैल्यू आ गई। आप 2.3 पॉइंट तक आगे कर सकते हैं। तो सिंपल ये था, इसमें आपको फॉर्मूला ही समझना था और कुछ नहीं है।
तो मोड में आपको बहुत सबसे सिंपल यही होता है, बस इसमें ये चीजें समझ नहीं होती है। तो गाइस होप यू आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज कमेंट करें आपको क्या, आपको आगे कौन से वीडियो चाहिए, आपको मैथ से, इंग्लिश से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई परेशानी प्रॉब्लम आती है आप हमें बताएं, हम उस पर आपको हेल्प करेंगे। और प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।